फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम हो गया आप लोगों का नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। और अभी तक जिसने जिपी है, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चाहिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक जल्दी से पहुँच जाए, 120 की स्पीड में पहुँच जाए। और अभी जो है आज जुमे का दिन है आप सबको, पहले तो जुमा मुबारक। और काफ़ी प्यारा वो वेदर हुआ हुआ है आज लाहौर का, बहुत ही प्यारा। हल्की हल्की जो है वो बारिश शुरू हो गई है मुझे लग रहा है, क्यों मैंने सोचा आज छत पे जाके जो है वो अपना वीडियो का इंट्रो स्टार्ट करते हैं और वो वेदर को भी देख के आते हैं कि कितनी सर्दी है। सर्दी तो है काफ़ी ज़्यादा ही है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर अभी बहुत रात को बहुत ज़्यादा थी। तो अभी तो बारिश शुरू हुई हुई है, हवा भी ठंडी है, पर ना किन मिन थोड़ी बहुत जो स्टार्ट हो जाती है बस, कहीं कहीं पर भी जो है ना वो शुरू हुई हुई है। क्या जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और आज एक दो चीज़ें जो है वो मैंने खुद भी देखनी है वो क्या है मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी देर के लाके रखी हुई थी तो मैंने भी नहीं देखा वो क्या था। तो मैं आज उनको देखते हैं भाई वो कैसे यूज़ होगी और कैसे हमने उसे जो है क्या क्या डिफरेंट तरीकों से हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो तो जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी भाई ये है क्या, क्योंकि मैंने अभी तक वो अभी कहीं पता नहीं कितने मंथ हो गया लाके रखा हुआ है और मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे यूज़ करना है। तो आज हम वो देखते हैं कैसे यूज़ होगा। बाकी मैं आप लोगों का वेदर जो है वो दिखा देती हूँ, काफ़ी प्यारा है, कितना प्यारा वेदर है। और मतलब हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरू हो रही है, पर अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर हवा भी है, बहुत मज़े का वेदर है, बहुत ज़्यादा। लाहौर का मौसम और अच्छा ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलिए आए अब देखते हैं कि आज के हमारी रूटीन में क्या है और हम अपना बाकी का व्लॉग जो है उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छत से जो है वो मैं नीचे आने के बाद जो है मैंने मम्मा को पूछा मम्मा क्या करना है, मम्मा ने मेरे से पूछा कि क्या करना है आज, खाना है क्या बनाना है। तो मम्मा ने कहती चलो बाजार चलते हैं, बाजार चल के देखते हैं क्या लेना है। तो मैंने उनको कहा कि बिरयानी बनाते हैं हम, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है कि हम बिरयानी करते हैं, वैसे भी जुम्मा है। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे चिकन ले रहे थे। तो यहाँ से चिकन लेने के बाद जो है मैं मम्मा बाहर मेन रोड पे चले गए थे क्लिनिक्स पे, क्लिनिक से कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी वो हमने वहाँ से ली, और ज़्यादा मैंने वहाँ शूट नहीं किया। तो यहाँ पर है जो हम रोड क्रॉस करके अपोजिट साइड पर आ गए थे। तो यहाँ पर भी मम्मा ने जो है वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, क्लम्प्स वगैरह लेने थे किसी चीज़ के, पाइप्स वगैरह के कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मम्मा ने वो ली। यहाँ से वो चीज़ें लेने के बाद जो है वो मम्मा और मैं मेन बाज़ार की तरफ चले गए। मतलब अभी हम मेन रोड पे थे तो देन हम बाज़ार में चले गए। तो आज बिरयानी पकड़ी थी, बाकी सब सामान तो घर में मौजूद था, पर मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा जी सैलड भी ले लेते हैं। पहली वाली जो सब्ज़ी की दुकान पर हम रुके थे वहाँ पर मतलब इतनी फ्रेश सब्ज़ी नहीं थी, तो हम वहाँ से जो है वो आगे की तरफ आ गए थे और यहाँ से हमने सैलड लिया था। उसके बाद जो है मम्मा ने करियाने की शॉप पे गए थे हम लोग, वहाँ पे जो है वो मम्मा ने सब्ज़ चाय जो खुद बनाते हैं ना कलर वाली, वो मतलब हमने ली थी सब्ज़ चाय पिंक टी जिसे कहते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत सामान और लेना था हमने वो भी लिया। अब हम एक दो दिन में पिंक टी बनाएंगे ना, तो उसकी प्रॉपर रेसिपी वो किस तरह बनती है मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। भाई मज़ा आया। घर आने के बाद जो है वो सेम रूटीन की तरह जो हम डेली बेसिस पे लेमन वाटर पी रहे थे वो हमने पिया। ये जो है मुझे आप ही ने बना दिया था, क्योंकि मैं तो बाजार चली गई थी, तो जब मैं आई तो मैंने उनको कहा आप ही मुझे ना लेमन वाटर बना दें। तो उन्होंने कहा कि तुम जो लेमन वाटर पीती है उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी ऐड करके ब्लैक कॉफ़ी भी पिया करो। तो आज हमने जो है इसमें न्यू एडिशन की थी कि मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो हनी, एक छोटा पूरा लेमन इसमें ऐड किया था, और एक पूरा चम्मच नहीं हाफ चम्मच जो मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की थी। मैं कॉफ़ी लवर, ब्लैक कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ी कम कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ये जो है वो आज मुझे गर्म शुगर है मिल गया था, तो मैंने ये जो है वो आज गर्म पानी पिया था, क्योंकि गर्म इतना नहीं, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, इतना गर्म पिए जितना आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सिम्बा और गुफी जो है वो बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो है मैगी भागती भागती आई थी माशाल्लाह, ये जो है वो खे रही थी। और आप लोग भी इनके लिए ज़रूर माशाल्लाह कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला इनको बुरी नज़रों से बचाए। इसके कुछ देर बाद जो है वो आप ही ने जो है अंडे बनाए थे, मैंने इनको कहा था ये वाले अंडे बना ले जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता ये किया था हमने, इसके साथ जो है वो रोटी खाई थी, और रोटी नहीं था नान था, मतलब नान रोटी वही जो होता है। तो अंडा बड़ा मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, भुजिया थी अंडे की। नाश्ता वगैरह करने के बाद जुमे की नमाज़ पढ़ी, जुमे की नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद जो है हम खाना बनाने के लिए किचन में आ चुके थे। यहाँ पे जो है मैं और आप ही जो है वो बिरयानी बना रहे थे, मैंने साथ साथ जो है पुरानी बिरयानी की प्रॉपर रेसिपी जो है वो मैंने शूट की थी, उसकी भी वीडियो जो है वो आज मैं अपलोड कर दूँगी, माइट भी कल भी हो सकती है। आज कोशिश है कि आज ही प्रॉपर वीडियो जो है वो बिरयानी की अपलोड करूँ। और बिरयानी जो है वो बहुत ही मज़े की बनी थी, यहाँ सैलड वगैरह भी जो है वो आप ही ने कट कर लिया था।
जो है वो आप ही ने बनाया था, सबसे बढ़िया वाली आप ही ने बनाया था, उनको भी इनवाइट किया हुआ था कि आओ बिरयानी खाते सब मिलके, पर वो किसी वजह से अपने घर जो है वो वापस चली गई थी। अच्छा नहीं किया अभी आपने घर वापस जाके, याद रहेगी ये बात अब आपकी। बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट दम पे हमने रख दी थी, और बाकी जो किचन जो है वो क्लीनिंग को हो रही थी, क्योंकि आप बिरयानी बनाए और खिलाना ना पड़े ऐसा हो सकता है, तो वो जो सारा था अपी वगैरह जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, और मैं जो है वो साथ भी लोग बना रही थी। यहाँ पे जो है वो किचन प्रॉपरली क्लीन हो गया था, सारे बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुके थे, शेल्फ वगैरह भी साफ़ हो चुकी थी, सारा स्टोव भी साफ़ कर दिया था, मतलब क्लीन बिल्कुल अच्छी तरह चमक रहा था हमारा किचन जो है वो। यहाँ पे मैंने बिरयानी की वीडियो बनाई कि बिरयानी अभी दम पे है, तो इसको दम पे रखा हुआ था, और तब तक सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका था। साथ में ही जो है वो मैंने बिरयानी को दम पे रखने के बाद जो है वो प्लेट्स वगैरह जो है वो भी रेडी कर ली थी, क्योंकि खाना तो खाना ही था ना, तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रे वगैरह रेडी कर ली थी, सैलड वगैरह, दही जो है वो मैंने बनाया था जब दही पला रही थी, और उसकी जो वीडियो है वो मेरे से शूट ही नहीं हुई थी, इसलिए जो मैंने किया वो नज़र ही नहीं आया किसी को कुछ भी। गाइज ये देखे हमारी एक प्यारी सी कैट जो है वो इधर बैठी हुई है ये बॉक्स के अंदर। इन लोगों का बॉक्स जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई। नहीं आना, लड़ाई भी है भाई हमारी, लड़ाई भी है हमारी। इतना प्यारा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक बच्चा जो है वो इधर बैठा हुआ है वो इधर बैठा हुआ है, इसका सिम्बा का बेबी जो है वो इधर बैठ गया है। इन लोगों को ऐसी नींद आती है, कहते हैं हमने बस इधर ऐसे ही सोया करना है। एक जो कैट है वो इधर बैठी हुई है। फिर माशाल्लाह से जो है वो हमने खाना खाया था, डिनर किया था, बिरयानी बनी जो बताई थी वो खाई थी, और बहुत ही मज़ेदार लजीज, इतनी मज़े की बनी थी ना ये क्या बताऊँ, अभी भी दिल कर रहा है दोबारा खा लूँ, तो मतलब इतनी टेस्टी बनी थी ये। मैं जो हूँ वो रायता और सलाद जो है वो नहीं खाती बिरयानी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बिरयानी जो है इन सब के बग़ैर ही खानी चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ये सब कुछ ऐड करने के बाद, बिरयानी का टेस्ट जो है वो सारा ख़त्म क्यों करना, ऐसे ही खाओ। और खाने के बाद जो है वो चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं वो खाने के बगैर, जो खाने के बाद जो है वो चाय ना पिए ये कहीं नहीं आ सकता। तो उसके बाद जो है वो मैंने चाय बनाई थी, चाय बहुत ही मज़े की बनी थी। माशाल्लाह से हर चीज़ ही परफेक्ट होती है, अच्छी बनती है, इसलिए हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। चाय भी बहुत मज़ेदार और लजीज बनी थी, थोड़ी सी चीनी जो है वो मैंने तेज़ रखी थी, क्योंकि बिरयानी जो है वो काफ़ी स्पाइसी थी, तो मम्मा ने स्पेशल कहा था कि थोड़ी सी चीनी तेज़ रखना, इतनी भी तेज़ नहीं थी कि मतलब पी ना जाए, नॉर्मल तेज़ थी। और ये जो है वो मैं ट्रे में कप रख रही थी, वो जो वाइट वाला मग है छोटा वाला कप वो मेरा था, बाकी तो मम्मा और आपी के थे, आपी ने कहा था मुझे 2 घूंट देना, इससे ज़्यादा ना देना, तो मैंने 3-4 घूंट और ऊपर दे दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी मन से ला के जो है वो एक चीज़ रखी हुई है मैंने, तो ये जो है वो लाइनर के लिए है कि अगर आप बिगनर जाएँ और लाइनर नहीं लगा पा रहे हैं, लाइनर जो है वो लगा सकते हैं इजीली, डिफरेंट डिफरेंट शेप से, मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो भी दी हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो ये कैट है जो कि जैसे बनी हुई है, इसके जैसे साथ आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइनर जो है वो अपनी आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो है वो मैं यूज़ करूँगी ना जब भी, मतलब मैं इसको 1-2 दिन में ही यूज़ करते हैं, और इससे जो है वो हम लाइनर लगा के देखते हैं कि किस तरह का लाइनर जो है वो इससे लगता है, तो फिर मैं आपके साथ जो है वो वीडियो भी शेयर करूँगी, इसको ट्राई करते हैं, वरना मेरा भी लाइनर जो है वक्त से परफेक्ट नहीं लगता, तो हम इससे लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। और बाकी मेरे पास एक और है, उसे आईब्रो फिल्स करते हैं, हम उसको भी चेक करेंगे कि वो किस तरह का लगता है, पहले हम ये ट्राई करेंगे देन हम अपना आईब्रोज वाला करेंगे यूज़। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, हम ये व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा है, और बाकी व्लॉग्स भी आप लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं,
तो कल जो है, मतलब आज जो है, वो एक और वीडियो आएगी, वो है बिरयानी की प्रॉपर रेसिपी है जो कि मैंने शेयर की है। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो जल्दी आप लोग जो है वो देखा करें और अपने रिव्यू शेयर किया करें। ओके गाइस, तो अब हम जो ये व्लॉग है यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है, और अपना भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।